के बज चुके हैं 6:30 और ये देखिए भावना अभी तक सोने लग रही है। था मैंने सपोर्ट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, और आने भी तो करो हो, जो तुमने खाने ना देते खाने तो मैं भी ना दूँ तुमने पर फिर भी यार अपने लोगों ने भी आगे बढ़ा दो, कोई अपने घर कुनबे में उठे नू सो ए वाह फलाने की बहू, फलाने की छोरी, फलाने का नू तो नाम आवे, थारा भी नाम होगा मेरा अकेले का नाम थोड़ी ना होगा। तो सपोर्ट कर लो भाई, सारा न कहूँ हूँ, भाण भाई ताई ताऊ चाचा चाची दादा दादी और कोई रह गया हो तो बुआ फूफा जो भी है, मामा मामी सारे लाइक शेयर कर लो यार, देखो पूरी पूरी वीडियो। और क्या दूँ मैं अब डेली बेस पे, यही होता है हर घर की कहानी, फैमिली व्लॉग में यही होता है कि इंसान कहीं जा रहा है वो दिखा रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, और इसे नया क्या लाऊं ये बताओ आप लोग। तो कर दो यार, बढ़ाओ अपना पावर, दिखाओ बतेरा ना दिखाओ हो, ठीक है। राम राम। तो आप सभी को मोटिवेशन वाली वीडियो सुनाकर अब मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ सूरज देवता को पानी देने के लिए, और आज मैंने पहना है ये वाला सूट। आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आज ये मेरे ऊपर ये सूट, और ये मैं चली नाश्ता पानी का। तो मेरी चाय और मेरा बिस्किट आ गया है सुबह का नाश्ता, और यहाँ मम्मी ने अभी खाना खाया है और अमन पी रहे हैं दूध, निकाल रही है घी, और अमन जा रहे हैं सुबह सुबह सब्जी लाने के लिए। कहाँ जा रहे हो अमन? स्टैंड पे। स्टैंड पे के ले आओगे? सब्जी लिए हैं, बाइक की सर्विस करवाया है। ओह तो आज इस बाइक की सर्विस होगी। आज मैंने सुबह तक दो काम कर लिए हैं मिस्त्री ने पंखा ठीक कर दिया हमारा, और हमारी वॉशिंग मशीन ठीक कर दी, शाबाश वेल डन। मैं लगूंगी अपने काम का जग पुचे का। ये देखो जी मिस्त्री चल पड़े हैं ऑन ड्यूटी, मतलब यार मैं देखो छुट्टी वाले दिन भी काम होता है, क्या करें अब, तुम तो करते ही हैं तो मेरे को ही करना पड़ता है। हाँ तो मैं जाऊँ स्टैंड पे मैं ले आऊँ, ले मैं जाऊँ ले दे दे ला दे सब्जी भी ले आऊंगी। क्या लाना है, क्या लाएगा सब्जी में? आलू टमाटर प्याज, ये देख लो जी हमारे घर का सब्जी लेने वाला मानस है। और आज हमारी बाइक आओगी नई नई, हटी अमन बाइक दिख रही हो, नई नई हो गए यार। खाने वाली सब्जी ले आओ प्लीज जो मैं खाती हूँ। देख लो जी धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अमन आ गई तेरे दो भरे में रन के साग सब्जी ले आए हैं आइए पधारिए और साथ में ये देखिए कुतैड़ को भी लेके आए हैं। चल देखें के सब्जी लाया है, थोड़ा मेरे लिए लाया है या नहीं, बाइक होगी चकाचक देख सको हो, सर्विस हो गई कितनी मस्त लगा है। अमन तो दो बोझ मेरे को दे रहे हैं ये दे ये। चलो ये बताऊंगी हम आज के सब्जी लाया है अमन, डंकी लाया होगा तो ठीक है, नहीं तो खलास। अमन तो गया, अमन लाए हैं शिमला मिर्च और टमाटर, खीरे और आलू बस, और ये हमारे गार्डन की मिर्ची। कहाँ गए मान साहब? ये देखो जी आज से मिस्त्री ला के अपने काम पे, वॉशिंग मशीन चलाएगी। कहाँ से चलाऊँ यार, मेरे को तो लगी भूख, मैं तो लिए अपना हलवा। आज सुबह मम्मी ने बनाई थी खीर, हलवा, आलू की सब्जी और पूरी, तो खीर मेरे को इतनी कुछ ख़ास पसंद है नहीं, और हलवा भी वैसे कुछ ख़ास नहीं, बट भूख लग रही है इसलिए हम चले। अमन ने लगाया है ये पंखा
अपने हाथों से, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अमन पहला मशीन ठीक करी, वॉशिंग मशीन, और अब देख लो टैलेंटेड छोरा है। पता नहीं अमन की मम्मी ने क्या खिलाया था अमन को। मम्मी क्या खाया था आपने जब आप प्रेग्नेंट थे, जब अमन होने वाला था, जब आपने क्या खाया था? ये खा। इतना टैलेंटेड बॉय आपका। सारे काम कर ले है, सुबह पंखा भी ठीक कर दिया, वॉशिंग मशीन भी ठीक कर दी, अभी पंखा लगा लग रहे। वाह, बता इसे से बड़ा को तो बाहर जाने की जरूरत पड़े किसी ने नहीं ना। रोटी बनाती हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं, भूख लग गई, लगना स्टार्ट हो गई है। इम बनाऊ खाना, अमन कर रहे काम, और लेट्स गो, हो जा गया शुरू। चलो बना लो रोटी। मतलब यहाँ बैठते ही खाना शुरू कर लिया? तो डाइनिंग टेबल पे तो खाते ही हैं सब लोग। बनाया क्या कुछ है आज? बनाया मैंने अपने लिए पूरी आलू की सब्जी बनाई मम्मी ने, तुम्हारी रोटी, खीरा, और ये अमन ने मिर्ची अपने लिए फ्राई की है मसाले वाले भाई। मैं आ गई रसोई में, अपना काम फिनिश कर लिया था, और देखो कितनी खुशी हुआ काम ख़त्म करने के बाद। ईब जाकर लौट देंगे थोड़ी देर, उसके बाद मैं उठी थी 4:30 बजे, मैं उठ चुकी थी कि हम जल्दी सोए थे। और चाय और अमन के लिए बनाऊंगी नींबू पानी, और आज मैं जल्दी सो गई थी 2 बजे, और मैं ईब सही टाइम पर उठी, नहीं तो फिर रात को क्या सोऊंगी। तो अमन तभी उठा नहीं है, इसलिए मैंने तो अपनी चाय बना ली क्योंकि 5 बज चुके हैं और मेरे को लिटिल भूख लगने लगी है, और अमन अभी तक नहीं उठे। अभी 5:13 हुई हैं और मम्मी पापा गए हैं दूध निकालने के लिए। हेलो जी, तो ये बोल रहे 6:30 बजे, और मान साहब अभी उठे हैं 6 बजे, और उठ के एक घंटे मतलब आधे घंटे से पूछ रही हूँ क्या चाहिए, क्या खाएगा कुछ, अब जाके बताया है। और क्या लिया है मैंने अभी? कॉफ़ी और कटोरी, ये देख लो जी, कटोरी खाई जा रही है यहाँ पे, कटोरी में कटोरी। और यहाँ पर हमेशा की तरह हमारी मीटिंग बैठ चुकी है, जिसमें मैं हो रही हूँ बोर, और डिसाइड किया जा रहा है कि रात को क्या बनाए, क्या हल्का फुल्का बनाए। और हम फिर मैं रमन आ गए थे उस मीटिंग, तो उठ कर डिसाइड हो गया था कि क्या खाना पीना है। बाहर आकर देखा तो दूसरा का तो घर बना लग रहा है, मारा ही वो गंदा कर लग रहा है, तो यार मैं रमन सफाई कर लग गई। जल्दी काम ख़त्म कर लिया अपना, ये देखिए बर्तन ठीक से सब तो बर्तन। तो हम आगे हैं बाहर घूमते हैं, आप नु सोच रहे होगे कि मेरे मुंह पर इतनी लाइट कौन मारा लग रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा मैन मेरे साथ चलने लग रहा है, मेरे ऊपर फोकस लाइट पूरी दे रखा है। अरीब हम आ रहे हैं घूमती हैं, और 9:30 हो रहे हैं, 10 बजे तक घूमेंगे, उसके बाद अपन आए दूध दाँत पी के सो जाएंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, और क्या था किसा था आज आपका दिन? अच्छा था, छुट्टी वाले दिन तो काम ही करवाते हैं। हम करवाए, मैंने तो कोई काम नहीं करवाया, और होता क्या, काम ही काम बस। ओ माय गॉड, फिर आप संडे को मंडे को भी चले जाते हैं ना स्कूल में, बच जाते हैं। छुट्टी वाले दिन मिलती ही नहीं है छुट्टी एक भी दिन। चलो जी हम घूम ले, फिर मिलते हैं हम आपको अंदर। हेलो गाइस, तो मैं अपने रूम में आ चुके हैं हम घूम फिर के, और आज मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया ही, मैं भीतर आते आते वो हुआ यूँ कि मैं जैसे ही आई थी मेरा पैर फिसल गया, और मेरे पैर पे, मेरे गोडे पे और मेरे आड़े हाथ पे लगी चोट, जिस कारण अब मैं शायद एक दो दिन बेड रेस्ट है। डॉक्टर अमन मान ने मेरी पट्टी कर दी है घर पे ही, और
भी मेरी आंगली भी आज थोड़ा सा फर्क है, मतलब आराम है आपकी दुआओं से। जिस जिसने मेरे लिए दुआ करी उसके लिए धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं की वो देख सकते हो मेरे पाम भी चोट लग गए, आपकी बद्दुआ, प्लीज़ दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। ये देखिए मेरे पैर पे यहाँ चोट लगी हुई है और ये हो यड़ा गर्म पट्टी लग रही है गोडे, तो यहाँ लग गया बहुत ज़्यादा और पैर में। तो ये था मेरा, अच्छी बली सही हांडी थी अचानक तो पाँ बेरा ना के आ गया था आगे। तो दुआ करना मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं व्लॉग डेली बनाऊँगी, बेड पे पड़ी पड़ी भी बनाऊँगी व्लॉग। तो सभी को राधे राधे और बाय बाय, राम राम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप भी सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली में भी किसी से करवा दो यार, सपोर्ट करो। हाँ सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे आपको भी सपोर्ट करूँगी। अगर आप इन फ्यूचर भी इस लाइन में घुसते हो तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, आप मेरे को अभी सपोर्ट करो, कोई स्टेटस पर लगाओ मेरे व्लॉग को। घुटने में लगी है चोट, लगता है लिगामेंट्स गए हैं टूट। अरे थोड़ा केयर करी जाए, हो रहा है पेन। भावना को मिल गया है काम से बचने का इलाज, लगवा लिए पैर में चोट। अब वो चोट ऐसे लगी है कि ये गई है फिसल और ये पैर गया है मुड़। देखते हैं कब तक इस पैर को पकड़ के बैठी रहेगी ये। ये देखो नौटंकी, पूरे ड्रामे हो रहे हैं, लगी है हल्की सी और दिखाया इतना जा रहा है कि पता नहीं जैसे कितनी लग गई हो इसको। यार मेरे को ना 2-4 दिन तक बेड रेस्ट रहेगा, तो देख लियो कौन कौन काम किके करेगा। इतनी ज्यादा भी नहीं है, देख लो गाइस के इतनी तो मेरे को चलते फिरते लगती रहती है। ससुराल में कैसी केयर की जा रही है बहू की, बहू को रेस्ट नहीं दिया जा रहा।